नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दोबारा। आप देख रहे हैं बात हो गया है खबरों का। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के नासिक दौरे के दौरान जेब कतरे ने अपने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन चौकीदारों की होशियारी से भागते हुए जेब कतरों को पकड़कर पुलिस उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दी है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे नासिक के 2 दिवसीय दौरे पर है और अपने दौरे के दौरान उन्होंने सरकारी विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस भीड़ का फायदा उठाते हुए चोर ने राज ठाकरे के कमरे से उनके बटुए पर हाथ साफ करने की कोशिश की थी। चोर तुरंत पर्स निकाल कर फरार होने का प्रयास कर रहे थे, तभी घटना की जानकारी पुलिस को मिली और जानकारी मिलते ही पुलिस ने फरार होते हुए जेब कतरे को बटुए के साथ गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। इससे काफी हड़कंप मच गया है और मनसे पार्षद सलीम शेख, अशोक मित्रदक, दिलीप दातिरे ने कार्यकर्ताओं से सावधान रहने की अपील की है। राज ठाकरे कल 3 दिवसीय दौरे पर नासिक पहुंचे व नासिक महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में नासिक आए हुए हैं। इस बार वह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और राजनीतिक हालात का जायजा भी लेंगे। सूत्रों ने बताया है कि राज ठाकरे नासिक महानगर पालिका चुनाव से पहले मनसे कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाने आए हैं। तो ये मेरा खास खबरों के लिए चैनल के साथ।